अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक अच्छा कार परफ्यूम अपनी कार के लिए तो आपको वीडियो हेल्प करने वाला है। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे गोदरेज एयर के कार परफ्यूम जिसको हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था। आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे कैसे ये कार परफ्यूम है, प्लस इसके जो जो फ्रेग्रेंस आते हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा कार परफ्यूम के लिए कौन सा फ्रेग्रेंस लेना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो इस तरीके की पैकिंग में आते हैं गोदरेज एयर के ये फ्रेग्रेंस वाले कार परफ्यूम। मैंने इसकी मशीन भी ऑर्डर की थी, प्लस मैंने इसके रिफिल भी ऑर्डर किए थे, तो टोटल ये 6 फ्रेग्रेंसेस में आता है, जिसमें से मुझे अभी अमेजोन में 4 ही अवेलेबल मिले। तो इसके लिए मैं आपके लिए 4 फ्रेग्रेंसेस ले आया। आने वाली वीडियो में इसके जो 2 रिमेनिंग फ्रेग्रेंस रह जाते हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा अमेजोन से ढूंढ के आपके लिए लेके आऊँ और उनको भी दिखाऊँ। बट मोस्टली जो फेमस सबसे ज़्यादा बिकते हैं गोदरेज एयर के कार परफ्यूम एयर फ्रेग्रेंस में, तो वही 4 ही आते हैं, जिनमें से मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूँ। तो ये वाला जो है ये है गोदरेज एयर का फ्रेश लश ग्रीन वगैरह, अगर आप यहाँ पे रीड कर पाए। ये वाला जो है जो इसके रिफिल मशीन के साथ मैंने ऑर्डर किया था, ये मिलता है रिच आयरिश कॉकटेल वाले फ्रेग्रेंस में मिल जाता है। और ये वाला जो है ये है गोदरेज एयर का पैडल क्रश पिंक फ्रेग्रेंस में। और लास्ट वन जो है ये है आपका मस्क आफ्टर स्मोक वाला, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्रेग्रेंस है ये वाला। और आपका ये 2 भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं, मगर ओवरऑल काउंट ये 4 भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं फ्रेग्रेंस जो आते हैं गोदरेज एयर के एड से। अब आपको एक दिखा देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो ये जो एयर फ्रेग्रेंस होते हैं ये आपको रिफिल जो उसकी मिलती है ये आपका 60 डेज तक चलता है। मतलब अगर आज आप उसको प्लेस कर देते हैं, इस मशीन में इसको फिट कर देते हैं और इसको अपनी गाड़ी में लगाने के बाद ऑन कर देते हैं तो अराउंड ये 60 डेज चल जाता है जो कंपनी क्लेम करती है। मैं पिछले 8 से 10 महीने से यूज़ करते आ रहा हूँ गोदरेज एयर के कार फ्रेग्रेंसेस को, तो ये अराउंड ये लिखा तो 60 डेज है मगर ये आराम से 40 या 45 दिन ही चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में खड़ी रहती है तो ये 30 से 35 दिन ही चलते हैं, और अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल ही रहता है, गाड़ी में एसी वगैरह चलता रहता है, गाड़ी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, तो ये आराम से 45 से 50 दिन निकाल देगा। तो अगर इसके वेट की बात करें तो ये अगर हम 10 ग्राम की पैकिंग में आता है, अगर आप यहाँ पे भी रीड कर पाए। और अगर आप बाकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। अगर इसकी MRP की बात करूँ तो आप यहाँ पे रीड कर पाएंगे, इसकी जो MRP है वो 175 रुपीज़ है। बट अगर आप अमेजोन से ऑर्डर करेंगे तो आपको ये थोड़े कम प्राइस में मिलेगा। अगर आप शॉप से परचेज करते हैं, मैंने शॉप में भी जाके इन चारों का इंडिविजुअल का प्राइस पता किया था, तो शॉप में मुझे 5 से 10 रुपये ही कम कर रहा था, अगर यहाँ पे 175 है तो मुझे 160 या 165 रुपीज़ का दे रहा था। बट अमेजोन में आपको 4 फ्रेग्रेंस अगर आप एक एक भी लेते हैं तो आपको इससे बहुत कम प्राइस भी मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप भी ऑर्डर करने का सोच रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो आप अमेजोन से ही ऑर्डर करें। मैं आपको हेल्प करने के लिए लिंक्स भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इनमें से जो भी आपको फ्रेग्रेंस पसंद हो अपनी कार के लिए आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली परचेज कर सकें, ताकि आपको भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये 10 ग्राम में आता है जो कि क्वांटिटीज वाइज कम है। बाकी जो इसके फ्रेग्रेंस आते हैं ये वाले, तो मेरा सबसे फेवरेट इसमें यही वाला है मस्क आफ्टर स्मोक वाला। इसका मैं पहले से भी बहुत बार यूज़ करते आ रहा हूँ और ये बाकी भी फ्रेग्रेंस आते हैं। और इसको लगाना कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे भी एक बार रीड करा देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज करने का प्लान कर रहे हैं अपनी कार के लिए तो इसका स्टेप क्या होता है, इसकी आपको पहले फर्स्ट टाइम मशीन लेनी होती है और आप इसके अंदर जो इसके रिफिल होती है उसको बाहर निकाल लीजिए और इस रिफिल को इसकी मशीन में फिट कर दीजिए और इसको अपनी कार के जो वेंट्स होते हैं, जो आपके कार के वेंट्स होते हैं उसमें प्लग कर दीजिए और ऑन कर दीजिए। बटन यहाँ पे लगा होता है वो कैसे करते हैं वो आपको करके भी दिखाऊंगा। इसी चीज़ के लिए मैंने आपके लिए रिफ़िल भी ऑर्डर करी थी और एक मशीन भी ऑर्डर कर ली थी ताकि आपको मैं फिट करके दिखाऊँ पाऊँ। और इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे आपको सेटअप करके दिखाऊँगा, फिर गाड़ी में भी चलेंगे और गाड़ी में भी लगा के दिखाऊँगा कि कैसे इसको फिट किया जाता है अगर आपने भी फर्स्ट टाइम इसको परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। तो आपके लिए एक मैं जल्दी से ये वाला ओपन करके दिखा देता हूँ कि अंदर कैसी पैकिंग होती है और 10 ग्राम्स कैसा आता है। तो आप अंदर से देखेंगे कुछ इस तरीके से ही होता है इसको, और इसका ये भी निकाल देते हैं। तो ये इसकी होती है रिफ़िल मशीन, जो ये रिफ़िल वाला आता है, इसके अंदर इसका 10 ग्राम्स का फ्रेग्रेंस है अगर आप देख पाएँ। और इसको जब मैं हटा दूंगा, जैसे भी इसको रिमूव कर दूंगा तो इसका जेल उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको तब तक ना ओपन करें जब तक आप इसको अपनी कार में फिट नहीं करने वाले हैं। और इसको इस मशीन में फ़िट करना होता है, ये जो इसकी वाली मशीन है, इस रिफ़िल को कैसे लगाते हैं वो आपको मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ। और इसकी अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया मगर इसकी फ्रेग्रेंस मेरे रूम में अभी फैलना स्टार्ट हो गई है और बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसा लगता है जैसे लाइम वगैरह की फ्रेग्रेंस होती है, उस तरह की इसकी फ्रेग्रेंस है। अगर आप फ्रेश लश ग्रीन वाला परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो मुझे नींबू जैसी आ रही है और बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। तो आपको मैं अभी इसको साइड रख देता हूँ और एक बार मशीन भी दिखा देता हूँ, मशीन कैसे वर्क करती है और कैसे इसको फिट किया जाता है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और आपको एक बार दिखा देता हूँ और इसका भी एक बार प्राइस बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसकी मशीन भी परचेज कर रहे हैं। और ये इसकी मशीन होती है, तो पहले आप यहाँ पे बैक साइड में इसका प्राइस पढ़ लीजिए
अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तो इसकी मशीन वगैरह कितने की आएगी? तो इसका जो MRP लिखा गया है वो 299 का है, बट अगर आप इसको अमेजोन से अगेन परचेज करेंगे तो इसको इससे आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। तो इससे कम प्राइस में आपको क्या मिल जाती है, इसकी एक मशीन मिल जाती है, प्लस आपको इसके साथ एक रिफिल मिल जाता है। तो ये आपके फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए तो एनएफ है। उसके बाद आपको अगर आपको ये ब्रांड का फ्रेगनेंस अच्छा लगता है गोदरेज एयर का, तो आप अगेन अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको फ्रेगनेंस अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली परचेस कर सकते हैं। जैसे भी मेरा फेवरेट तो मस्क वाला है, और फ्रेश एंड पेटल्स भी मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है। और इसको जो आयरिश कॉकटेल है जो मैंने अभी ऑर्डर करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, इसका फ्रेगनेंस भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब इसको लगाते हैं कैसे, तो इससे पहले आपको दिखाती हूँ, इसका बटन होता है ऑन ऑफ का, तो इसको आपको अपनी कार के वेंट में लगाना होता है, और यहाँ पे पीछे बैक साइड में इसकी मशीन लगती है, तो इसको इस तरीके से ओपन करना होता है। और ये जो रिफिल होती है इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए। मैं उसको जब आपको गाड़ी में लगा के दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे इसको यूं करके फिट करना होता है। और इसको आप बंद कर दो, और फिर कार में फिट करके अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्रेगनेंस ऑन हो जाए तो आप यहाँ से बटन से ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन आपको एक बार ही परचेस करनी होती है, उसके बाद आप इसके रिफिल्स परचेस कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको कौन सा इसका फ्रेगनेंस अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप परचेस कर सकते हैं। कितनी पावरफुल है वो गाड़ी में चलते हैं, और मैं तो परसों से यूज़ करते आ रहा हूँ तो मुझे तो पता है, आप अपने आप परचेस करके आईडी लगा सकते हैं। चलिए गाड़ी में चलते हैं, उसको फिट करते हैं। गाड़ी में हम आ गए। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है इन्वॉल्व 1 का मस्क, और इससे पहले मैं गोदरेज एयर का यूज़ कर रहा था। इसका अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बस फ़र्क किया जाता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ये अराउंड 350 या 400 रुपये का आता है। और गोदरेज का एयर का जो अभी कार फ्रेगनेंस का परफ्यूम है वो अराउंड 200-250 रुपये तक में निपट जाता है, उससे भी कम में आता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको बहुत कम में आएगा। अब जल्दी से आपको दिखा देता हूँ मशीन को ऐसे फिट करना होता है। तो ये मशीन है हमारी, और इसको मैं गाड़ी के इस वेंट पे फिट कर देता हूँ आसानी से। बस ये फिट हो गया और आपकी मशीन चालू है। तो जैसे भी अगर मैं अभी इसका एयर वाला ऑन करूँ कार का, तो अभी यहाँ पे मैंने बटन को ऑफ कर रखा है, तो जैसे भी मैं इसको ऑन करूँगा तो जो एयर की है एयर वेंट से वो इसके थ्रू पास होगी, और जो इसके अंदर मैंने रिफिल लगाई थी जो इसके साथ मिली थी आयरिश वाली, उसके जो फ्रेगनेंस है वो कार के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है इन्वॉल्व 1 मस्क वाले की कि उसमें कोई एयर वेंट होता नहीं, तो ये अपने आप यहाँ से जो भी सन से या जैसे भी है धीरे धीरे करके हवा उड़ती है। मगर आपको इंस्टेंट फ्रेगनेंस चाहिए कार के अंदर, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये गोदरेज एयर का हो जाता है। इसका बेनिफिट बस ये है कि आप अपने गाड़ी का एयर का वेंट के हवा को फ्लो को तेज कर दीजिए, जैसे अभी मैंने सेकेंड पर कर दिया, और इसको ऑन कर देता हूँ, और ये ऑन किया, अब जो हल्के हल्के धीरे धीरे मुझे कार के अंदर अब मुझे धीरे धीरे कार के अंदर इसकी फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो रही, क्योंकि अब जो एयर है वो कार एयर के इस वेंट से पास होके इस फ्रेगनेंस कार फ्रेगनेंस के अंदर से बाहर निकल रही है गोदरेज एयर वाले से, और कार के अंदर आयरिश वाले की हल्की हल्की स्मेल आना या फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो गई है। तो ये बेनिफिट हो जाता है इसका, और इसको आप किसी भी वेंट पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कार में यहाँ पर भी वेंट है, साइड वाले जो वेंट्स होते हैं वहाँ पर भी अपने नीड के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इन्वॉल्व 1 मस्क वाला भी एक्सीलेंट है, और ये वाला भी बहुत एक्सीलेंट है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।